मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए हॉकर्स को रोड से हटाया गया, इन्हें मित्तल में शिफ्ट किया गया, मगर इसके बावजूद जो रास्ते बने हैं उन पर अवैध रूप से पार्किंग की गई है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। मगर शरीफा रोड सहगुप्ता हाउसिंग सोसाइटी के लोग यहाँ पर मच्छी बेचने वालों से काफी परेशान है। मनपा में कई बार शिकायत के बाद भी इन मच्छी वालों पर कार्रवाई नहीं हुई। मच्छी बेचने वाले यहाँ काफी गंदगी करते हैं, सोसाइटी और रास्ता चलने वालों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आए दिन झगड़े होते हैं, दोनों तरफ दुकानदार अपने दुकान के सामने मच्छी बेचने वालों को धंधा लगवाते हैं और बीच रास्ते में बाइक खड़ी कर देते हैं। मच्छी खरीदने वाली महिलाओं की भीड़ भी होती है और आने जाने वालों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि मच्छी बेचने वाले लोग मच्छी की जो गंदगी निकलती है वो गंदगी यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। सोसाइटी के लोगों ने ये भी बताया कि मित्तल में जब मार्केट लगी है तो वहाँ इन मच्छी वालों को क्यों नहीं बिठाया जाता है, मनपा इन मच्छी बेचने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। हाँ, ये मछली जो मछली बाजार है ना, हमको यहाँ से हटाना है बस, और इसकी गंदगी की वजह से हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, और इतनी गंदगी होती है, लोग क्या करते हैं, दिन भर अपना धंधा करते हैं, वह सब छोड़ के चले जाते हैं, पूरा गंदगी। जब सब मार्केट गए यहाँ से मित्तल टाउन में, तो फिर ये मार्केट क्यों नहीं जा रहा है? इसका मतलब कि म्युनिसिपैलिटी के जो यहाँ रखे हुए ठेकेदार है वो पैसा ले रहे हैं। कुछ दिन की थी, कुछ दिन के बाद ये मार्केट फिर से लग गया। आप लोगों ने कभी कंप्लेंट किया? इसके पहले हमारे बहुत कंप्लेंट हो चुकी है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। परसों से कंप्लेंट कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि म्युनिसिपैलिटी जो है? अरे दिख रहा है ना सर, आते बैठते आराम से वो अंदर से बाहर से अंदर भगा रहे। दो मिनट कार्रवाई होगी, लोग आएंगे अंदर से अपना लेके भागे, वापिस लगा दिए बैठ गए। मतलब क्या अंदर किसकी मिली भगत है, क्या समझ में नहीं आता है हम लोगों को कि यहाँ से उठाते थोड़ा देर उठाएंगे, अभी ये सब पैसे जितने मच्छी वाले बिठा रहे दुकानों में वो सब पैसा लेके बिठा रहे हैं। और तो हम लोग ने एक दो बार बोले तो बोले आपके बाहर थोड़ी बैठे, दुकानों में बैठे, पर तकलीफ तो हमारे तो आ रही ना। अभी 5-6 दिन की बात हुई है, मैं मच्छी लेने उतरी थी, दोपहर का टाइम था, तो दो जने म्युनिसिपैलिटी वाले खड़े थे, तो मैं मच्छी के लिए बोली तो उन्होंने क्या बोले यहाँ से उठो और बाहर अंदर जाके बैठो। मैं अंदर क्यों बिठा रहा, बाहर बिठाओ ना। बोले नहीं, जब ये इनकी बिकेगी खुद चले जाएंगे। बोले तो मैं बोले क्यों, आपको क्या मिल रहा है, आप तो हम इसलिए रखे ना भाई आप ही साफ सफाई के लिए। तो बोले नहीं, वो खुद ही चले जाएंगे। बोले तो मुझे ये बात, दो म्युनिसिपैलिटी के बच्चे खड़े थे यहाँ पे, तो उन्होंने बाहर नहीं जाने दिए, मेरे गेट के पास भेजे, मेरी भगत है वो, उल्टा बाहर भेजना चाहिए तो यहाँ पे भेजे। हाँ, सुनते ही नहीं है, और जो भी गंदगी होती सफोकेशन तो हम लोगों को करना पड़ता ना, छोटे बच्चे हमारे, इन लोगों को क्या धंधा लगाते और ऐसे ही गंदगी छोड़ के चले जाते, फिर रात में हमको आना होता है या कुछ होता है, सारे जानवर हमारी सोसाइटी में घुसते तो हम क्या करेंगे फिर, सुबह सुबह वो हार्मफुल तो हमारे बच्चों को हम लोग को होगा ना। तो म्युनिसिपैलिटी है जो मच्छी के धंधे लगाते हैं, उन लोग तो हम लोग को ट्रीटमेंट कराने के लिए नहीं आएंगे, वो पैसे तो हमको देने, तो आप लोग दिलाओगे हमको जब इन लोग को, क्यों आप लोग हटाते नहीं, हम लोग इतनी कंप्लेंट करते हैं, हमारे सोसाइटी वाले जाके कोई एक्शन ही नहीं उठाते। अगर नहीं उठाना है तो फिर हमको बता दो, हम हमारे रास्ते से सॉल्यूशन निकालें। सर बोलने का मतलब ये मेरा कि सिर्फ ये दुकान वाले आज जो धंधे पर भार लगा रहे, ये अपना सिर्फ फायदा करा के ले रहे। सुबह के टाइम पे इनका एक नौकर है, म्युनिसिपैलिटी का एक भी कर्मचारी नहीं है इधर कि आके एक साफ सफाई करेगा, वो नौकर नसीम करके एक नौकर है, वो यहाँ पे साफ सफाई करता है, और मच्छी मार्केट जैसा उठी तो वो ही घान यहाँ पे छोड़कर चले जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे झाड़ू लगते ही नहीं, ना एक वो कोई मतलब फिनाइल विनाइल मारते नहीं। सिर्फ दिन भर देखिए आप इधर मक्खी का देखो, ये मक्खी ऐसी पूरी भिनभिनाते रहेंगी हमारे घर में, हमारे बच्चे खुद, यहाँ तक मेरी लड़की, दो बच्चे आज बीमार है, आज तकरीबन 5 महीने से मेरा ट्रीटमेंट चालू है मेरे बच्चियों का, प्लस है हमारे ग्राउंड फ्लोर पे ये इनके भी बच्चों का ट्रीटमेंट चालू है। सिर्फ ये मच्छी मार्केट की हमारी गंदगी बदबू ये हमको परेशान करके रखी हुई है, और फायदा ये दुकान वाले उठा के ले रहे। सर TMC में हमारी कंप्लेंट बहुत मरतबा जा चुकी हुई है, सिर्फ जब अपने यहाँ पे जो तोड़ू कार्रवाई हुई इसके अंदर सिर्फ ये कार्रवाई करके निकल गए, लेकिन मच्छी मार्केट के लिए सजेशन आज तक नहीं निकला। और मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ये पैसे खा रहे हैं और बाकायदा बिठा के जाते आके घूमते हैं,
देखते निकल जाते हैं। कौन पैसे ये जो भी रहेंगे म्यूनसिपलिटी की पार्टी के जो आते खड़े रहते हैं ये खारे अधिकारी लोग, यही लग रहा है क्योंकि बाकायदा बिठा रहे उनको, ऐसा नहीं बोलते कि चलो अंदर जाओ आप लोग, ये इन्होंने लड़े थे बोलते कि हम हमारे अंदर बिठा रहे, तो आज देखिए आप आपके सामने ही है ये बाहर बिठा के रख रही है। और ये हमारे शगुफ्ता बिल्डिंग का सिर्फ ये एक ही हमको रास्ता है, अगर आज हमारी सुबह के टाइम पे हमारे यहाँ से अगर औरतें माँ बहन जब भी जा रहे हैं या हम लोग भी जा रहे हैं तो अगर औरतों को धक्का भी लग गया तो ये औरतें डायरेक्ट हमारे पर तूतू मेमे में आ जाते। अब समझ लीजिए तूतू मेमे में क्या क्या हमारे से अनाप शनाप बोलते हैं। हाँ बस ये लाइन से सर हम आज तो बहुत झगड़े होते हैं और आज तो फिर भी है ना थोड़ी जगह है ना यहाँ तक पूरे भरे रहते थे ये आज तो फिर भी कम बैठे नहीं आप यहाँ तक देख रहे यहाँ तक है पूरा हमारे जाने तो बिल्कुल रास्ता नहीं रहता है। गाड़ियाँ जो हमारी होती है गाड़ियाँ आने तक जगह नहीं रहती हमारी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी रहेगी। हुआ था आए दिन में अगर किसको आना हो तो हमारी हमारी बाइक हमको वहाँ पार्क करनी होती क्यों क्योंकि रास्ता ही नहीं है जगह चलने के लिए नहीं होती। हम बच्चों को स्कूल लेके जाते गोदी में लेके जाना पड़ता है क्योंकि जरा सा भी पुश हो जाए तो माँ बहन की गालियाँ सीधे निकलती औरतों के मुँह से। जब सारी मार्केट हट गई है तो ये फिश मार्केट यहाँ से क्यों नहीं हटी कुछ तो रीजन होगा ना उसके पीछे। और पैसे खिलाए तो ऑब्वियसली सबको पता है कि इंडिया कितना करप्टेड है पैसे नहीं खा के लोग बैठे हुए वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और हम लोग एक एक इंसान चाहे म्यूनसिपैलिटी हो या कोई भी प्रोफेशनल में जाओ करप्शन तो ही है तो ऑब्वियस है ये लोग नहीं हट रहे तो ये लोग पैसे ही खिला के बैठे। यहाँ पे मच्छी मार्केट हटने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी है जो आके यहाँ पे चरस का पीना शुरू कर देते है। यहाँ से हम लोग को चरस की इतनी बदबू आती है रात के 12 बजे तक सिर्फ यहाँ पे चरस ही चलते रहता है। हमारी इसके बारे में शिकायत हम लोग आज तक नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग उनसे डर लगता है जो हकीकत बात है कि हमको कुछ कुछ करेंगे लेडीज लोग यहाँ से निकल नहीं सकते। अच्छा है कि इस्लामुद्दीन भाई हमने कई बार इसकी शिकायत की प्रभाग समिति में हमने इसकी बहुत आवाज़ उठाई और मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती कि 40-40 साल पुरानी दुकानें जो करोड़ों रुपए की दुकानें तोड़ दी गई उनको आज तक दुकानें मिली नहीं वो बेचारे आज तक रोजी रोटी से महरूम है। ये मच्छी वाले जो यहाँ के प्रॉपर है नहीं इसमें ज़्यादातर बंगाली लोग हैं ये यहाँ के प्रॉपर है नहीं उनको यहाँ से नहीं हटाया जा रहा है। उसकी वजह यह है जो लोग आवाम शिकायत करिए मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है कि कोई ना कोई ज़रूर पैसे लेता होगा नहीं तो उनको इतनी हमदर्दी क्यों है इनसे। अभी हम लोग आप मित्तल में गए थे 12 मच्छी वाले जो पुराने बेचारे 25-25 साल पुराने दुकान वाले हैं वो मित्तल में बैठे हुए वो अभी हम गए थे वहाँ रो रहे थे कह रहे थे कि हमारा रोज़गार ही नहीं है। वो रोज़गार नहीं होने की वजह भी है क्योंकि आधे मच्छी वाले यहाँ आसानी से उनको मच्छियाँ मिल रही तो वहाँ जा नहीं रहे। प्रशासन की कमी है महानगर पालिका की कमी है इसको मेरी भी ये रिक्वेस्ट है मैं शहर साहब से बहुत ही अच्छे आदमी है बहुत ही क्विक एक्शन लेते हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि इस मार्केट को जल्द से जल्द शिफ्ट जिस तरीके से बाकी सारी मार्केटें मित्तल में चली गई उसी तरीके से इनको भी मित्तल में डाल दिया जाए। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि इन पर कार्रवाई हो और इनकी वजह से बीमारी भी फैल रही है। इन मच्छी बेचने वालों से दुकानदार पैसे लेते हैं और अपनी दुकान के सामने इन्हें मच्छी बेचने देते हैं और मनपा खामोश होकर ये सब देखती है। MD मंसूर आलम सबके देखा था कि मैं भी मतलब लगा रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जी दुकानदार लेते हैं कौन दुकानदार लेते पीछे कितना ले रहे हैं दुकानदार 250 रुपया क्या नाम है दुकानदार का नहीं बता सकते हमारे यार पैसे दे रहे हो आपको नाम नहीं मालूम नाम नहीं मालूम सर नाम बोल नाम क्या है मोहम्मद याकूब बोला कौन लगाता है मैं ही लगा दुकान वाले लेता है दुकान वाले है ही नहीं अभी है ही नहीं किधर गया नहीं दुकान वाले वासु कितने पैसे लेते हैं पैसे 150 रुपये लेते एक दिन इमाम बाशु सर ये धंधा जो लगा रहे क्या टीएमसी इस पर कार्रवाई नहीं करती आप लोग करती है भागते हम तो आप जिस तरह से यहाँ धंधा लगा रहे इसको पैसे कौन देता है पैसा नहीं दुकान मेरी है ना भाई दुकान हाँ
ये दूसरे का धंधा है, ये मेरा मुर्गी का धंधा है। तो आप दुकान में क्यों नहीं रहते? अब दुकान में इधर दुकान के बाहर ही लगाए हम लोग ना। नहीं नहीं, तो आपके पास दुकान है ना, आपके पास दुकान है तो दुकान में लगाओ ना। हाँ लगाएंगे, कल से लगा देंगे, और क्या, जब कार्रवाई होगी तो जब कल से दुकान में लगा देंगे। दुकान वाले, दुकान वाले, दुकान वाले, क्या नाम है उनका? क्या नाम है? कितना पैसे देते हैं आप? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये महीना डेली लगाते हैं आप? क्या नाम है आपका? अहमद, अहमद जासिम से। इधर जो धंधा लगा रहे हैं आप, किसको पैसे देते हैं? पैसे किसको देते हैं उधर धंधा लगा रहे हैं? पैसे किसको देता हूँ? किसको देते हैं? नहीं रहेंगे, टोल लगवा रहे हैं मालूम नहीं मेरा, दूसरा का कुछ। आप धंधा लगा रहे हैं ना? हाँ लगा रहा हूँ। तो किसको देते हैं? फ्री में लगा रहे हैं क्या इधर आप? नहीं। फिर किसको पैसे देते हैं? जिधर बैठता हूँ उधर दुकान वाले को। दुकान वाले को देते हैं आप? कितना देते हैं? 200। कितना, क्या नाम है दुकान वाले का? नाम काय का है? काय का बोलो। दुकान वाले का नाम? अफजल। कितने दिन से इधर धंधा लगाया? 15 साल से, 15-16 साल से। मित्तल पे जगह मिल रहा है? मित्तल पे गया नहीं हम लोग, मैं आया, मैं गांव गया था, गांव से आया, आके यहाँ बैठा। पैसे किसको भी नहीं दे रहा, किसको भी नहीं दे रहा। दुकान किसका है क्या मालूम, दुकान वाला इधर नहीं है। एक तरफ मार्केट मित्तल में लगाई गई है, मगर इसके बावजूद मच्छी बेचने वालों से पैसों की वसूली कर इन्हें शरीफा रोड में दुकानों के सामने लगाया जा रहा है, और ये दुकानदार इन मच्छी वालों से पैसों की वसूली कर रहे हैं, जिन्हें शासन और प्रशासन का कोई डर नहीं है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।